Assalamualaikum everyone, I'm Munize Khalid and welcome to Munize's Kitchen. आज आप देख सकते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ अपने किचन में. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सबसे फेमस सेलिब्रिटी गेस्ट नन अदर देन सारा तासीर शोएब. Assalamualaikum Munize. How are you? I'm sure you guys know already, but she's our beautiful jewelry designer, beautiful diamond jewelry designer, and she's taken Pakistan by a storm. So, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मेरी अपनी मैंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो none other than सारा तासीर शोएब has designed them. And I'm sure you can see how beautiful they are. And her own jewelry, I must say, gorgeous. Thank you so much. बात छुपाई क्यों हुई है आपने सारा दीदी? बस देखें. Isn't it gorgeous? It's just beautiful. So, Sara Didi, how's Hong Kong? Let's just tell our viewers. Sara Didi, she lives in Hong Kong and she comes to Pakistan every now and then for her jewelry launches. So, बस देखें, इसलिए मैंने कहा मैंने जरूर आपके शो पे आना है क्योंकि आज तक I think मेरे हस्बैंड तरस गए हैं कि मैं उनको खाना तो मैं आज सीखूंगी फिर मैं उनको सरप्राइज जाके डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग इट विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड टुडे वी आर मेकिंग वेरी एक्साइटिंग डिशेस एंड दैट आर हम बना रहे हैं अपना बटर चिकन रोस्ट जो हमारे इंग्लिश स्टाइल के अंदर होएगा और दूसरा हम बना रहे हैं क्रीम्ड पोटैटोज. क्रीम्ड पोटैटोज आर जस्ट डिवाइन and I just love them. And Sara Didi has tried my cream potatoes before. Oh, so she कहती है you can't take just one bite. But इतना बड़ा bowl कैसे खाना है? Share करेंगे और तो कुछ नहीं होता. So let's just let me tell you guys about the ingredients. इसके अंदर जाएगी एक whole chicken with skin. फिर जाएगी एक टिक्की आपकी मक्खन की salt and pepper. That's it. It's so easy and just so delicious. जो हमारे क्रीम पोटैटोज हैं उनमें जाएगी 2 किलो आपके आलू जाएंगे मैश करके उबाल के आप मैश कर लेंगे और फिर हमारी जाएगी क्रीम का एक पैकेट एक क्रीम चीज का पैकेट और फिर हमारी जाएगी थोड़ी सी गार्लिक इसके अंदर. लेट्स गो ऑन विद द शो. हमारे सबसे पहले वी गोना टेक हमारा जो मक्खन है अपने हाथ लेंगे एंड आप यू गोना होल्ड द टेक द मक्खन एंड यू गोना पुट इनसाइड योर चिकन. इट्स अ बिट डिस्गस्टिंग यू माइट थिंक इट्स अ लिटिल डिस्गस्टिंग बट इट विल पे ऑफ इन द एंड. And so, Sara Didi, aap bataye, what's been happening lately? I'm just amazed at what you're doing just now. But चले ठीक है. Oh, अब dead chicken को massage भी करना पड़ेगा. हाँ, ये भी करना पड़ेगा. अगर आपने सलमान भाई को थोड़ा सा खुश करना है तो उनको भी मक्खन लगाना है. But I hope, inshallah, ये वाली जब आप बनाएंगी dish तो it'll turn out perfectly. और ऊपर से चिकन को ना स्किन करना है ना कुछ कुछ भी नहीं. एग्जैक्टली डेड चिकन मक्खन लगा के नमक मिर्च लगा के और हस्बैंड भी खुश. हस्बैंड तो बहुत खुश एंड बच्चे भी बहुत खुश. बट तो इस तरह आप अपने सॉल्ट को अच्छी तरह इसके अंदर आप रब करते जाएं रब करें जब तक ये अच्छी तरह ना हो जाए. अभी मैंने 1 teaspoon लगाया है सॉल्ट का एंड अभी 1/2 teaspoon रहता है. तो जैसे ही आपका 1 teaspoon अच्छी तरह बाहर की तरफ लग जाए तो आप जो अपना 1/2 teaspoon है वो नीचे वाली जगह पे और अंदर फिर डालेंगे. तो लेट मी यूज़ माई अदर हैंड. सो दिस इज 1/2 teaspoon आई एम टेकिंग ऑफ सॉल्ट एंड मेजर प्रॉपरली एंड पुट इट इनसाइड एंड पुट इट ऑन योर हैंड एंड जस्ट कीप ऑन रबिंग. और मुनीजा जी यूजुअली ये चिकन अंदर से हॉलो नहीं होती है इसके अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है क्लीन करना पड़ता है आपको. बट इफ यू डोंट हैव टू करना पड़ता है कि करवा जहाँ से आप अपनी चिकन लेंगे आपको ये वहाँ पे लोग आपको साफ करके दे देंगे तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द ट्रबल ऑफ क्लीनिंग द गट्स आउट योरसेल्फ एटलीस्ट या That small blessing, you can, you know, I live abroad, so all these things scare me a lot. My sister is getting married, and I was just thinking of something to get my soon-to-be jija ji. Yes, I know, because you know, there's hardly any men's jewelry, and men also don't look nice in jewelry. Exactly, and I generally don't like gold that much. I love diamonds. No, I was with diamonds bhi hain, aur mere rubies ke saath, aur sapphires ke saath bhi banwaye. That's amazing. But you know what's nice is that I like to do fusion things. Fusion meaning main desi और वेस्टर्न चीज़ों का मिक्स करती हूँ. तो मुझे मैंने सोचा जो बटन्स हैं उसमें एक बहुत रोमांटिक जिस तरह हमारी मुगलाई फील है हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है तो मुझे बहुत शौक था कि मैं इस तरह की कोई चीज़ करूँ जो
can be very regal and you know. Yeah, it will definitely be a hit. Bilkul, definitely. And jaise ki the other day we were buying jewelry for my brother-in-law to be, and we went to your shop. I saw you there, and yeah. All three sisters had come. And they tried on everything, we took photographs, we had a great time. So let's just take this thread, ठीक है? अब आपने इनकी जो टांगे हैं, अब let's just इसकी अच्छी एक हमें zoom in कर दें कि ये जो हम चिकन है. अच्छा, धागा के भी बता दें कि ये धागा कहाँ से आया है, कोई सुई धागे वाला था? नहीं, ये सुई धागे वाला धागे नहीं है, नॉर्मल डोरी आपको कहीं से भी मिल जाएगी. एंड हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे लिए तो कोई मसला अच्छा, नहीं है ये. ओके, मैं अपने बच्चों के फीते निकाल जूतों में नहीं मैं कहाँ से लूँ? ये आप कहीं से भी मिल जाएगा, आपको बस जाके बोलना है मोटी आपको थ्रेड दे दे. डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस मैं घर में सोचूं कि क्या किसे. एनीवे आई थिंक सो यू टेक, एक दफा आप टाई करें इसको, एंड अगेन आप इसको पकड़ के जैसे ही टाइट आप टाई कर लेंगे, अगेन यू गोइंग टू टाई इट. सो हियर यू गो, आप अगेन इसको टाई करके टाइटली बांध लें, ये आपकी टांगे हो जाएंगी. फिर अगेन आप जितना टाइट इनकी टांगों को बांधेंगे उससे उतना ही आपका जूस ज़्यादा अंदर रहेगा, जूस अंदर रहेगा. और फिर हम मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जब हाफ वे बिटवीन कुकिंग हम जो है इसके जो सिरप जो निकलेगा, जो इसका जूस निकलेगा चिकन के अंदर से, वो हम चिकन के ऊपर एक चम्मच के साथ चिकन के ऊपर डालेंगे जिससे चिकन ड्राई आउट ना हो. ओके गाइस, अब हम विंग्स को भी बिल्कुल जिस तरह हमने टांगों को टाई किया उसी तरह हम विंग्स को भी टाई कर देंगे. तो दैट इज़ योर चिकन. नाउ आई एम गोना ट्रांसफर दिस चिकन इनटू आवर बेकिंग ट्रे, जो आपको बेकिंग ट्रे कहीं भी किसी भी मार्केट में कहीं लेकिन भी. आपका नॉनस्टिक है ना? नॉनस्टिक मेरा नॉनस्टिक है, लेकिन यू डोंट नीड इट बिकॉज इतना बटर इसके ऊपर जल रहा है कि अच्छा. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड द नेक विच इज माई Which is your brother's favorite. I love the neck. Yes, exactly. So हम लेकिन मैंने कभी neck पता है skin के साथ नहीं खाया हुआ. नहीं खाया? That's making me not feel too good. Trust me, you won't be feeling bad anytime. Trust me, Kairi. I'm just trusting you. Yes, you because must. Because this doesn't have any faith of makhan and salt makhan is. बेसिकली मक्खन के साथ जो आप मक्खन जिस चीज़ में डालें उससे उसका टेस्ट 10 गुना बेहतर हो जाता है. अच्छा मुनीर, मुझे बताएं कि ये जो अजीनो मोटो होती है उससे कहते हैं लोग कि जिसके अंदर डालें वो दैट स्टार्ट्स टू टेस्ट गुड, इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू, बिकॉज इट हैज बेसिकली अजीनो मोटो जो है उससे आपकी एक देयर इज अनदर सेंस दैट्स जस्ट एक्टिवेटेड बाय दैट एंड इट इज योर. Yeah, that's very funny, but no, not your. I'm sure. Yeah, I guess so because आपके taste buds जो हैं उसके अंदर कोई जो taste buds हैं जो अभी तक हमारे explore हमारे normal खाने से नहीं हुए होते. And Ajinomoto is such an ingredient जब आपके खाने में डाले, so those taste buds they are activated. Really? Yeah. तो आप इसके अंदर क्यों नहीं? Because यहाँ पे available नहीं. No, but I feel very ill with Ajinomoto. MSG? Really? Yes, of course, you know, because some people have like heartburn. Yes. I start feeling giddy and I start feeling light. Chinese food ke andar to sabse zyada, I'm sure. Yes, and like your pores open up and some people have a bad reaction. I have True. A bad reaction. My aunt also has a bad reaction to it. So wo mujhe jab anyway, it's a chemical, so I think the viewers, you should stay away from stay it. Away I like from natural food, healthy, organic. And fresh ingredients. Fresh ingredients. That's the most important thing. Jaise ab jo maine murghi aaj li hai, aaj fresh humne sabse sab bilkul mere samne khade hoke maine unko bola hai ki mujhe sabse fresh wali dein. So don't tell me you killed it. I killed. No, I had to. I don't believe it. Murder. Chalo, let's put this into the oven now. एंड मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे. इसको हम पहले 35 मिनट्स के लिए डालेंगे. एंड बिफोर आई फॉरगेट आई एम गोना टेक सम फॉयल आउट. आई नो कैन आई टेल, फॉयल आप डालेंगे ताकि वो जो एंड्स होंगे वो जल ना जाए, राइट? इसके अंदर जो इसकी स्टीमिंग भी साथ में हुए जैसे एंड अंदर से ये बिल्कुल मॉइस्ट हो, तो दैट्स अ फॉयल. आई एम जस्ट गोइंग टू Take the foil. How will it brown then? Baste karke then halfway through main foil utar dungi, so it'll start browning then. Okay, nahi to ye white white chicken. White bilkul nahi, I hate white. Mareezo, bilkul zayka nahi hai.
बस अभी इस चिकन को अब हम कवर कर देंगे इस फॉइल के साथ एंड बिल्कुल टाइटली आप अपने फॉइल के साथ चिकन को कवर कर दें एंड साइडों से इस तरह एंड अगेन फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड. अब हम इसको अवन के अंदर डाल देंगे फॉर 35 मिनट्स. 35 मिनट्स के बाद मैं इसको उतारूंगी एंड फिर इसको बेस्ट करूंगी, विच मीन्स कि मैं चम्मच के साथ या अगर आपके पास ये बेस्टर है तो आप बेस्टर के साथ, इतना बड़ा इंजेक्शन इस बेस्टर के साथ आप इसको इसके जूसेस इसके ऊपर चिकन के ऊपर और अंदर डालेंगे और फिर से आप अवन के अंदर 35 मिनट्स के लिए डाल देंगे. सो लेट्स पुट इट इनटू द अवन एंड आई एम एक्साइटेड. Let's put it in. Okay, once again I'm going to tell you for 35 minutes. So मैंने अब बंद कर दिया 180 degree centigrade थे और 35 minutes के लिए. तब तक I guess we'll take a short break and तब तक मैं clean up करके अपने potatoes के ingredients इकट्ठे करूँगी. So okay guys, I'll see you after the short break. Please don't go anywhere.